गाइज, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं झल्लू भाई की एक अनदर न्यू वीडियो, फनी भूतनी एवर झल्लू भाई। ओके, ये तो जो सीरियल्स या फिर मूवीज इन सब में फनी भूतनियाँ होती हैं, ठीक है, जिनको देखकर हंसी तो नहीं आती, लेकिन सोचते हैं भाई क्या सोच के डायरेक्टर ने बनाया होगा इसे, ठीक है। तो ऐसी कुछ भूतनियाँ हम देखने वाले हैं यहाँ पे। चलो यार, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं। एक्शन। यार, ये मुझे बहुत पसंद है। ये है आम जिंदगी। बहन, आप उल्टा बैठ रही हैं। ये है मेंटोस जिंदगी। तो भाई लोग, आज हम देखेंगे ऐसी एक्ट्रेस जो बिना मेकअप करे दिखाती थी अपनी थूत, लोग डर के उसको कहते थे। जी हाँ भाई लोग, तो आज हम देखने वाले हैं भूत प्रजाति की मादा श्रेणी को, जिन्हें लोग बोलते हैं डायन चुड़ैल या भूतनी। और कभी कभी ये लोग अपना इंट्रोडक्शन खुद भी देते हैं। मैं हूँ प्यासी भूतनी। क्या 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 बोला इसने? मैं हूँ प्यासी भूतनी। ओह, लगता है प्यास लगी है। अरे पानी लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जितना जल्दी हो सके उतनी, और डरना बिल्कुल मत, क्योंकि तुम देखने वाले हो कुछ ऐसी ही प्यासी भूतनी। वैसे यू नो, चाहे भूतनी हो, चुड़ैल हो या डायन हो, होती है सारी स्त्रीलिंग, लेकिन हस्ती ऐसे हैं जैसे अर्चना पूरन सिंह। मिले और जम के सो जा। बोलो ना यार, सो जा। और भाई, इनके हंसने की आदत इतनी गंदी होती है, इनको तो किसी भी बात पे हंसी आ जाती है। मैं सीमा हूँ। कौन सीमा? अरे उसने पूछा ही तो था। आई नो, इनको हंसी क्यों आती थी, क्योंकि पहले की मूवीज के नाम ही कुछ ऐसे होते थे। तुम खुद ही देखो, खून की प्यासी डायन, कातिल चुड़ैल, खूबसूरत चुड़ैल, ये क्या है बे, चुड़ैल नंबर वन। पहले तो ये बताओ, ये भूतों की रैंकिंग कौन डिसाइड करता है? I don't know. वैसे कुछ भी हो, हमारे लिए तो वीराना की जैस्मिन ही नंबर वन रहेगी। सही बात। कितनी भी फटती थी, लेकिन निगाहें उसी पे रहती थी। और यू ना, हमारे यहाँ भूत हो या सुपर हीरो, जब तक वो बुलेट प्रूफ नहीं है, तब तक उसको किसी भी मूवी में रहने का हक नहीं है। यार, मैं तो कभी नहीं समझ पाऊंगा इन लोगों का इंस्टेंट डाइजेशन कैसे काम करता है। अरे गोली को पेट में ही रहने दो, सुबह सुबह संडास में गोलीबारी कर लेना। लेकिन नहीं, वैसे क्या पता चुड़ैलों के पास संडास होता ही ना हो। और भाई, मुझे तो सच में कभी कभी समझ में नहीं आता, जब भी मूवी में स्त्रीलिंग को मारा जाता है तो वो दूसरे कपड़े में होती है, और फिर पता नहीं कैसे एकदम से नाइट ड्रेस में आ जाती है। ये ऊपर जाके भी शॉपिंग करती है क्या? और मेकअप लगाना भी नहीं भूलती, और सबसे जरूरी चीज, सुपर पावर तो फ्री में मिल जाती है। अब अगर सुपर पावर की बात छिड़ी गई है, तो थोड़ी बहुत सुपर पावर भी देख लेते हैं। तो देखो, इनके पास कैसी कैसी सुपर पावर होती है। इच्छाधारी नागिन की तरह किसी का भी रूप धारण कर लेना। ओ भाई, एंटमैन की तरह जाइंट मैन में बदल जाना। या फिर कानून से भी लंबे हाथ कर लेना। भाई, रामायण का असुर लग रहा था वो जब बड़ी हो गई थी। वो भी उनसे इनसे ज्यादा अच्छे होते थे। चलो बुढ़िया मर गई। मुझे नहीं समझ में आता, ये इतनी सारी सुपर पावर कैसे मिल जाती है। ऊपर जाने के बाद भी क्या सुपर पावर की सेल लगी रहती है? नहीं, सबके पास अलग अलग सुपर पावर होती है। कोई हाथ लगा के मारता है, तो कोई बिना हाथ लगाए भी। ओ, ये वाली दीदी तो स्कारलेट विच निकली। और दीदी ने इस बंदे की तो बिगाड़ दी डेंटिंग पेंटिंग, और वो भी मेंटेन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग। क्या पता ओमिक्रोन का खतरा चुड़ैलों में भी हो। और ये मैं आसमान की चाहिए, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। वैसे कुछ ऐसी भी चुड़ैले होती है जिनके पास शॉपिंग के पैसे नहीं होते, और शायद ऊपर कोई बॉयफ्रेंड भी ना हो, तो ऐसे में उन्हें नेचुरल एक्टिंग करके लोगों को मारना पड़ता है। माँ जी, चाय ले लीजिए। Hmm.
वैसे सूत्रों के अनुसार अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये लड़की डायन ही है। माना जाता है कि ये लड़की बिना मेकअप के अपनी माँ के सामने आई और इसकी माँ सदमे से गंदी नहीं लड़की। लड़कियों के साथ जो भी कोई ऐसे पेश आता है उन्हें इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं, उन्हें मर जाना चाहिए। अरे अरे दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था, बुरा क्यों मान रही हो? वो क्या कहते हैं, अब जोकिंग। हाँ वही वाला। वैसे कभी कभी मेरे को बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ पे हर वैरायटी की चुड़ैल है, जैसे डबल मुंडी वाली चुड़ैल, बिना बाल वाली टकली चुड़ैल और बड़े दांतों वाली चुड़ैल। एक मिनट, बड़े दांत तो ठीक है, लेकिन ये बात कैसे करती होगी? मेरी आत्मा की शांति के लिए तू अपनी पत्नी को मार डाल। अरे वाह वाह दीदी, इसे कहते दंत क्रांति की असली क्रांति। दीदी ने बिना होंठ हिलाए सारी बात कह डाली। दीदी के लिए तो तालियां होनी चाहिए। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वैसे हमारे यहाँ की चुड़ैलें टैलेंटेड बहुत होती है। तुमने कभी किसी भूतनी को गाना गाते हुए देखा है? नहीं ना, चलो आज मैं दिखाता हूँ। अच्छा, पानी भी नहीं पीने दूंगी। बाबा क्या लिरिक्स लिख के दीदी, आगे आगे। जीने नहीं दूंगी, जीने नहीं दूंगी, मैं जीना चाहता हूँ। हाँ लिरिक्स तो बाप का माल है, कुछ भी लिख दो। पीने नहीं दूंगी, जीने नहीं दूंगी, फिर अग्नि भी नहीं दूंगी, अगली आए तो धोने नहीं दूंगी, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। चलो भाई इतना देख लिया तो थोड़ा बहुत ये भी देख लेते हैं कि हमारी चुड़ैलें लड़ती कैसे हैं, मतलब उनके एक्शन। भाई अपने चैनल पे उतना तो बनेगा ना। वाह क्या बात है। देखा फिर से हंसने लग गई बेफालतू में। दीदी पहले तुम यही कर लो। हाँ ये कर लो पहले। वैसे जिस तरीके से दीदी ने दो लत्ती मारी है ये तो गधा भी मार सकता है, लेकिन जिस तरीके से कंधे पे चढ़ी है लगता है विक्रम और बेताल का पुराना रिश्ता है। वैसे ये चीज मैं दिखाने नहीं वाला था, लेकिन अभी मैं तुमको दिखाने वाला हूँ हमारी इंडस्ट्री की कुछ अश्लील चुड़ैलें, जो कभी तुमसे टकराएंगी तो क्या कहेंगे सीधा ये देखो। आज तुम मुझे अपना वोट नहीं दोगे? बाकी के कपड़े भी उतारो। अरे बस बस, इससे ज्यादा मत करना। ये कैसी ठर की चुड़ैल है, आते सीधा कपड़े उतरवा रही है। माना इसको ये लल्लू पसंद आ गया तो शर्टलेस करके से सल्लू बना रही है। मुझे मालूम है ये कुछ गलत काम करने वाले हैं, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो बात अलग है कि मैंने पहले पूरी मूवी देख ली है। छोड़ो। और एक बात से आप लोग सब एग्री करोगे, अगर चुड़ैल डायन की मूवी है तो उसे मिटाने के लिए एक तांत्रिक भी मूवी में जरूर होगा, वरना चुड़ैल को कौन मारेगा? शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। मैंने न जाने कितनी तुझ जैसी पिशाचनी और चुड़ैलों का घमंड चूर करके खाक में मिला दिया है। मैं अभी तेरी खुशफहमी दूर किए देता हूँ। ओ माय गॉड, यानी तांत्रिक जी को गुस्सा आ गया है। अब देखना भाई लोग तुम तांत्रिक जी का कमाल। तांत्रिक जी 1 2 3 शुरू हो जाओ। ये क्या है? ये तांत्रिक कर क्या रहा था? मंत्र पढ़ रहा था, कामा सूत्र की किताब। लड़की का भूत कम निकल रहा है, ऑर्गेज्म ज्यादा मिल रहा है। ओ भैया मैं इससे ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, वरना यूट्यूब हो जाएगा मेहरबान, और फिर क्या होगा तुमको पता है। तो भैया आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना। और भाई इंस्टाग्राम और दूसरे चैनल को भी चेकआउट जरूर कर लेना, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। ओके यार यहाँ पे वीडियो खत्म। अच्छा जो भी थी, देखो पुरानी फिल्मों की जितनी भी भूतनियाँ दिखाई गई हैं, चुड़ैलें दिखाई गई हैं इस वीडियो में, ठीक है। एक तो वो वाला मुझे सबसे अच्छा लगा, वो वाली क्लिप, मतलब माँ जी चाय ले लो। भाई उसके चेहरे पे चीथड़े से लटके थे क्या, मतलब कपड़ा मुंह पे डाल के उसके बाद मर गई थी भाई क्या था वो। मतलब यार पहले ऐसा होता था, एकमात्र वो वीराना वाली जो भूतनी थी उसे दिखाया गया था ढंग से, ठीक है। लेकिन बाकी सारे कैसे भूत दिखाए जाते थे, पहले कोई दानव होता था वो हाथ में फुलझड़ी लेके जल रहा है, ठीक है। एंड इसमें तो बड़ी ही अजीब अजीब तरीके की भूतनियाँ दिखाई गई हैं, हाथ लंबा करके और बुढ़िया को खाली गले से ऐसे पकड़ा वो टपक गई। ओके एंड हद है यार। और जो स्टार प्लस पे एक सीरियल आया था वो क्या नज़र, हाँ उसमें तो इतनी किस्म की डायने लिखी गई, मतलब दिखाई गई थी कि भाई पूरा डायन शास्त्र वहाँ पर खोल दिया गया था, ठीक है। ओ माय गॉड यार सुपर वीडियो थी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फनी वीडियो थी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।